तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं टिकटॉक के न्यू ट्रेंड वीडियो को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप इस टाइप के वीडियो आप देख सकते हो जो टिकटॉक पे है, जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो दोस्तों आज हम इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, इस टाइप के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बनाना बिल्कुल आसान है। तो दोस्तों यहाँ पर दो तरीके बताऊँगा और इस टाइप के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन से कैनवास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। करने के बाद सबसे पहले आपको इस टाइप के वीडियो एक शूट कर लेना है। देखिए दोस्तों, वीडियो शूट करते समय आपको ध्यान रखना है, आपको जब भी होगा बैक में जो है वो बादल दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बादल दिखेगा प्रॉपर वीडियो को आप एडिट कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस का आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 वाले रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो हमने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट किया थे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद यदि आपको स्टार्टिंग का कुछ पार्ट एक्स्ट्रा है, वीडियो को लेयर पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। यदि राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है, वीडियो को लेयर पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। इस वीडियो को लेयर पे क्लिक करना है, कलर फिल्टर में आना है और यहाँ पे आपको ब्लू कलर से ऊपर एक आपको ग्रीन कलर मिल जाएगा, ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर देना है। फिर से वीडियो को लेयर पे क्लिक करना है, कलर एडजस्टमेंट पर आना है और यहाँ पर आपको इस तरह से कलर को आप सेलेक्ट कर लेना और ग्रीन आपको यहाँ पे सही तरह से कर देना, एडजस्ट आपको कर लेना है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट को मैंने 132 और सेकेंड को आपको 252 और थर्ड को 163 रहने दिया हो। तो इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है और अब इसके बाद आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। इसके बाद आपको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 वाले रेशियो को सेलेक्ट करना है। मीडिया पर आना है। मीडिया पे आने के बाद मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रखा हूँ, उस वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद वीडियो को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो हमने वीडियो को एक्सपोर्ट किए थे उस वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ आपको क्रोमा की को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपको सही तरह से एडजस्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे कलर की पे आना है, आपको यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो सही तरह से एडजस्ट हो चुका है। डन करने के बाद वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इस तरह से जूम कर लेना है और इसे थोड़े हल्का नीचे कर लेना है। अब हमारा वीडियो जो यहाँ पे तैयार हो चुका है और जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। यहाँ पर हमें सॉन्ग ऐड नहीं करना होगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो में सॉन्ग ऐड है। इसके बाद यहाँ पे सेटिंग पे आना है और यहाँ पे आपका आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। डन करना है। वीडियो पे क्लिक करना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है और यहाँ पे हमारा वीडियो जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो दोस्तों ये है पहला तरीका और मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, इससे भी बिल्कुल आसान तरीका है इस टाइप के वीडियो बनाना। तो सिंपल आपको प्लस पे क्लिक करना है, 9:16 वाले रेशियो को सेलेक्ट करना है, मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वीडियो का, उस वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। मीडिया पर आने के बाद जो आपने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट किए थे उस वीडियो को आपको डायरेक्ट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है तो एक्स्ट्रा पार्ट में पहले रिमूव कर देते हैं। वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। इससे क्या होगा, लेफ्ट साइड का पार्ट जो भी एक्स्ट्रा होगा रिमूव हो जाएगा। इसके बाद वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। तो यहाँ पर राइट साइड का भी पार्ट जो भी एक्स्ट्रा था वो रिमूव हो चुका है। सिंपल आपको क्या करना है, वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, ब्लेंडिंग पर आना है और यहाँ पर आपको अपने हिसाब से चेक कर लेना है, ओवरलेज हो गया, स्क्रीन हो गया। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन नहीं करूँगा, यहाँ पर कर दूँगा ब्रेकन। ब्रेकन पे करने के बाद बिल्कुल सही तरह से एडजस्ट हो जाता है। इसके बाद डन कर देना है। डन करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल सी इसे जूम कर लेना है और हल्का इसे नीचे आपको कर देना है। यहाँ पे आपको सॉन्ग ऐड नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी सॉन्ग ऐड है। सेटिंग पे आना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है और यहाँ पर आपको सिंपल सी डन करना है। वीडियो पर क्लिक करना है, शेयर पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर HD 720p 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए थे तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सैनल चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।